हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइलम एस्केलमेंथीस जिसे हम राउंड वॉम या निमेटोस भी कहते हैं एस्केलमेंथीस जो कि दो मेजर ग्रुप में डिवाइड है पहला फ्री लिविंग दूसरा पैरासिटिक अगर हम बात करें सिमेट्री की तो ये बाइलेट्रल है जर्म लेयर की बात करें ट्रिप्लोप्लास्टिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गन सिस्टम लेवल अगर हम वहीं बॉडी वॉल की बात करें तो ये तीन लेयर से मिलकर बनी होती है क्यूटिकल एपिडर्मिस मस्कुलर लेयर क्यूटिकल जो कि नॉन लिविंग है एपिडर्मिस जो कि मल्टीन्यूक्टेड है और मस्कुलर लेयर जो कि सिर्फ लॉन्जिट्यूबिनल मसल से मिलकर बनी होती है सर्कुलर मसल आर कंप्लीटली एबसेंट एस्क आर सीडो एनिमल सीडो सिल्डोमेट यानी कि वो एनिमल जिनकी बॉडी कैविटी मिजोरम से लाइन ना हो जैसा कि आप सब जानते हैं स्केलमेंथिस में स्केलेटल रिसेप्सन डाइजेस्टिव ट्रैक इज कम्प्लीट इट मीन्स वेल डेवलप माउथ फायरिंग्स इंटेस्टाइन एंड एनस एस रिस्पायरेशन इज जनरल बॉडी सर्फिस इज सिमिलर टू प्रियोर टू दिस फाइलम एस्क्रिएशन इज एचशिप और एस्क्रेटरी कैनाल जो कि प्रोटोनफ है एस्क्रेटरी सिस्टम का डेवलप एम्ब्रियोनिक रीनेट सेल से होता है नर्वस सिस्टम जो कि नर्व रिंग से मिल बनती है पहली बार सेंस ऑर्गन हमने एस्कैलमेंथिस में देखा गया जो कि पैपिली एफिड्स फाजमिट्स हैं पैपिली जो कि टेंगोरीप्टर हैं एफिड्स और फाजमिट्स जो कि की कीमो रिसेप्टर हैं जबकि एफिड्स लिप में पाया जाता है और फाजमिट्स जो कि टेल पे पाया जाता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज डेवलप एंड सेक्स आर सेपरेट अब बात करें फर्टिलाइजेशन की तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है डेवलपमेंट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेक्सुअल डायमारफिज इज प्रेजेंट इट मींस मेल एंड फीमेल बॉडी आर सेपरेट मेल एस्कैरिस और फीमेल एस्कैरिस मेल एस्कैरिस में स्मॉलर एंड कर्व फ्रॉम इट काउडल एंड फीमेल एस्कैरिस लार्जर

रेपडिटी फॉर्म है एंकालोसरमा कॉमनली नोन एज हुक्वाम ये प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में वोचेरिया फ्लैरियल वॉम लार्वा माइक्रोफ्लैरिया इट कॉस एलिफेंटिस जिसे हम हिंदी में हाथी पाँव भी कहते हैं कैरियर होस, इसका फीमेल क्यूलेस मॉस्क्यूटो है कुछ और एग्जाम्पल हैं जिसे आप रेफरेंस मोड पे देख सकते हैं थैंक यू हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एन स्टार्ट करेंगे तब तक स्टेटियो